बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं शिविर सामकिया और आप देख रहे हैं फिजिकल मेंटल हेल्थ चैनल। देखती आंखों सुनते कानून, जहां तक उर्दू जुबान बोली और समझी जाती है, तमाम दोस्तों को सलाम। आज हम एक अहम टॉपिक के बारे में वीडियो बनाने जा रहे हैं, बात करने जा रहे हैं, वह है डायबिटीज, शुगर। जी जनाब, मैं उस शुगर की बात नहीं कर रहा जो बाजार में बिकती है कि शुगर सस्ती हो गई या महंगी हो गई, क्योंकि मेरा इस बात से कोई ताल्लुक नहीं, सियासत से मेरा कोई सरोकार नहीं। मैं तो ये बताने जा रहा हूँ कि इस शुगर जो इंसान के ब्लड में, यूरिया में होती है, इसको किस तरह कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि शुगर एक साइलेंट डेथ इसको कहा जाता है, खामोश कातिल कहा जाता है। बहुत सारी जिंदगियों को शुगर ने बर्बाद किया हुआ है। बहुत सारे नौजवान औरतें जिस्मानी माजूरी, जोड़ों का दर्द, वज़न का बढ़ जाना, नींद की खराबी और ज़हनी अमराज, और शुगर की वजह से दिमागी अमराज और दिल, गुर्दे, बिनाई, दांत। लिहाजा शुगर हर एक जिस्म के हिस्से को मुतासर करती है। जहाँ भी इसका बस चलता है, शुगर उसी से को डैमेज कर देती है। कभी ये गुर्दों को डैमेज कर देती है, कभी दिल को, कभी जिगर को, और कभी मसाने को, कभी जो है ना ये मैदे को डिस्टर्ब कर देती है, और कभी दिमाग को, ब्लड प्रेशर को। लिहाजा शुगर जो है, आदमी को उस वक्त इसका एहसास होता है जब ये पूरी तरह हमला कर चुकी होती है। इंसान पहले इसको नज़रअंदाज करता रहता है, ये खामोश कातिल है। इससे छुटकारा पाने के लिए जो अंग्रेज़ी अद्वियात हैं, वो पूरी ज़िंदगी लेनी पड़ती हैं। जब एक दफ़ा किसी को शुगर की दवाई शुरू हो जाती है, तो पूरी ज़िंदगी वो पहले गोलियों पे चलता है, फिर इंसुलिन पे आ जाता है, लिहाजा ये सिलसिला उसका पूरी लाइफ जारी रहता है। तो आज हम देसी तरीके से एक ऐसी रेमेडी आपको बताने जा रहे हैं, जिससे आप जिसको इस्तेमाल करके मुकम्मल तौर पर दवाइयों से निजात पा सकते हैं, मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो सकते हैं। आपके जोड़ों का दर्द भी ख़त्म हो जाएगा, आपके जिस्म में सुस्ती भी ख़त्म हो जाएगी, आपका जिंसी बांझपन भी ख़त्म हो जाएगा, आप जिंसी तौर पर ठीक हो जाएंगे, आपके जिस्म में भरपूर ताकत होगी, आपका जिस्म हर वक्त तरोताज़ा रहेगा, और आपका दिमाग भी अच्छा वर्क करेगा। तो वो नुस्खा जिससे ये तमाम मसाइल हल हो सकते हैं, वो एक आसान सा है, बहुत आसान सा है, लेकिन हर आसान नुस्खा जो है ना, इतना इजी भी नहीं होता, थोड़ी बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती है। जी, तो आज शुगर से मुस्तकिल निजात के लिए मैं एक नुस्खा बताने जा रहा हूँ। ये 3 महीने का कोर्स है, 3 महीने इस नुस्खे को इस्तेमाल करेंगे, 3 महीने में 12 दफ़ा इस नुस्खे को इस्तेमाल करना है। इस दौरान आपने जो दवाई शुगर की ले रहे हैं, वो लेते रहना है। नुस्खा जब 12 हफ्ते हो जाए, 3 महीने पूरे हो जाए, फिर आपने दवाई बंद कर देनी है, बेशक शुगर चेक करवा के टेस्ट करवा लें। तो करना ये है कि कीकर के सब्ज पत्ते लेकर 1/2 किलो, उनको हम दस्ती में बारीक कर लें, उनमें थोड़ा सा पानी डाल के उसका लुबाब सा बना लें, गाढ़ा गाढ़ा सा, और उसमें 2 कुर्तम्बे, जिसको तम्मा भी कहते हैं, सब्ज रंग के लेकर उसको बारीक बारीक काट के उसमें शामिल कर दें, और एक परात में डालकर नंगे पांव उसमें जो है ना दाखिल हो जाए उस कीकर के पत्तों, पीसे हुए पत्तों में, और कटे हुए बारीक बारीक टुकड़े जो कुर्तम्बे के थे उसमें, तो आप इनको जो है ना इस तरह पैरों से मस लें जिस तरह आटा गूंथते हैं या गारा बनाते हैं। ये अमल आपने तकरीबन 1/2 घंटा 1/4 घंटा जारी रखना है। जब आपके मुंह में कुर्तम्बे की कड़वाहट आने लगे और कीकर के पत्तों की जो है ना खुश्की जबान पर महसूस होने लगे, उस वक्त आपका ये काम मुकम्मल हो गया, आपकी ये रेमेडी मुकम्मल हो गई। आपने बाहर निकल आना है, उस लुआब को, उस जो आपने बनाया था कुर्तम्बे और कीकर का, उसको ज़ाय कर देना है, और आपने पाँव धो लेने हैं आम रूटीन से वो रहना है, और फिर 1 हफ्ते बाद, ठीक 7 दिन के बाद दोबारा यही अमल दोबारा करना है। इसी तरह 1 महीने में 4 दफ़ा और 3 महीनों में 12 दफ़ा आपने ये काम करना है। इंशाअल्लाह ताला 3 महीने के बाद आप अपना शुगर लेवल चेक कराएं,
आपका शुगर नॉर्मल होगा, आपकी जोड़ों का दर्द भी खत्म हो जाएगा, आपका जिंसी प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगा, आप में तरोताजगी होगी और आपकी नींद भी भरपूर हो जाएगी। जब तक ये 3 हफ्ते पूरे ना हो जाए, आप दवाई ने आपने शुगर की दवाई साथ जारी रखनी है, उतने तक नहीं छोड़नी। लेकिन जब ये कोर्स मुकम्मल हो जाए, 3 हफ्ते पूरे हो जाए, 12 दफ़ा आप कर चुके हैं, तो फिर आपने शुगर की दवाई बंद करके शुगर टेस्ट करवानी है। इंशाल्लाह आप सेहतमंद हो जाएंगे, आपके तमाम मसाइल हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे। आजमाइश शर्त है, कुछ खर्चा नहीं होता, ज़रूर ट्राई करना। थैंक्स। अल्लाह ताला आपको आसानियाँ बढ़ने की तौफीक दे। आमीन।